सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जाकर एडिटिंग कर रहा था, और मेरा लैपटॉप यहाँ नहीं है, वो मेरे रूम में है। तो अभी मैं क्लॉक टावर के मेन टावर पर ऊपर चढ़ के बैठा हूँ। यहाँ से देखो पूरा क्लॉक टावर दिखता है, हमारा घर, दूसरों का घर, सब कुछ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ ऊपर क्या कर रहा हूँ। तो देखो, बात ऐसी है कि एक मेहमान आने वाले हैं हमारे घर पे, उनका भेंट कर रहा हूँ। और ये कोई ऐसे वैसे मेहमान नहीं है, वो एक शैतान है, सीधा नर्क से आने वाले हैं, हेल से। हर साल वो पिज्जा खाने आते हैं, इस बार हमारे घर पे उनकी बारी है। और आपको बता दूं, अगर उन्हें पिज्जा नहीं मिलता तो नर्क हो जाता है। 2 साल पहले उन्हें पिज्जा नहीं मिला था, तो वो इतना गुस्से में आ गए कि उन्होंने पूरा क्लॉक टावर पानी में डुबो दिया। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उनका पिज्जा कोई खा गया, तो पहले उसे पकड़ के वो पिज्जा बाहर निकलवाया और फिर बोला कि ये पिज्जा तू दोबारा खा। वो मना कर रहा था कि ये तो टट्टी है, पर फिर भी वो पिज्जा उसे खिलवाया। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई हादसा हमारे साथ भी हो, इसलिए हमें आज पिज्जा का बंदोबस्त करके उन्हें वो पिज्जा सक्सेसफुली खिलाना होगा। तो सड़ो नीचे चढ़ते हैं। चाचा, ये बढ़िया बढ़िया 3D एनिमेटेड स्टिकर्स वगैरह कहाँ से निकाल रहे हो? अरे हाँ, इससे ना याद आया गाइज, आजकल ना मैं यूज करने लगा हूँ बबल कीबोर्ड। पहले मैं यूज करता था नॉर्मल कीबोर्ड, जिससे टेक्स्ट करने पे ना सिंपल ही टेक्स्ट जाता था, लेकिन इसमें ना आप कुछ भी लिखोगे तो कलरफुल टेक्स्ट करके जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें आप जो भी लिखोगे ना उसका स्टिकर भी बन जाएगा, और इतने मस्त 3D एनिमेटेड स्टिकर देता है ना कि आप हैरान हो जाओगे। और इस कीबोर्ड की सबसे बढ़िया बात ये है, आपको GIF भी इसके अंदर ही मिल जाते हैं, बाहर से कहीं डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें सबसे खास बात ये है कि आप खुद के फेस का भी स्टिकर बना सकते हो, आपको बस अपने फेस की सेल्फी लेनी है और आपका स्टिकर बन जाएगा। बाकी इसके मीम स्टिकर तो बहुत बढ़िया है, आपको भर भर के मिल जाएगी। और इसी के साथ आपको जोक्स, मूवी के डायलॉग्स, कोट्स वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है, साथ ही आप फॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हो। तो अब आप इंतजार किसका कर रहे हो, बबल कीबोर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी डाउनलोड करो और अपनी चैटिंग को नेक्स्ट लेवल ले जाओ। सही कहा आपने ताऊ जी, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। क्या पूरे दिन ऐसी फालतू बातें करते रहते हो आदम शाशा, कुछ और भी बातें कर लिया करो यार। अरे क्रिमिनल, आज तू ये बाहर से कहाँ से आ रहा है, रोज तो अपने रूम में से आता है। गया होगा कहीं अपने फालतू काम करने। अबे शुभ ग्रैनी और आदम शाशा, भूल गए क्या, आज वो तारीख है, शैतान आने वाला है घर पे पिज्जा खाने। बाबू मोसाई, वो तो हमें मालूम है, मैं और आदम चाचा वही बात कर रहे थे। अरे उसमें क्या इतना सोचना है, मार्केट में से पिज्जा मंगवा लेते हैं और उन्हें खिला देते हैं। अरे क्रिमिनल, पर एक दिक्कत है, शैतान को घर का पिज्जा ही पसंद है, बाहर से तो वो खुद मंगवा के खा सकता है ना। हाँ ये हो सकता है, तो एक काम करते हैं आदम शाशा, मैं पिज्जा का सारा सामान लेकर देता हूँ, मम्मी बना देंगे पिज्जा। बेटा पिज्जा तो मैं बना दूंगी, पर उसके लिए ओवन चाहिए जो हमारे घर में नहीं है। अरे तो उसमें क्या बात है, ओवन भी हम मार्केट से ले आएंगे। बेटा तुझे पूरे शहर में कहीं ओवन नहीं मिलेंगे। पर क्यों ताऊ जी, क्यों नहीं मिलेंगे? वो हमारे डाकू और शैतान की लड़ाई चल रही है, और डाकू को मालूम है कि शैतान को घर का बना पिज्जा पसंद है, इसीलिए डाकू ने मार्केट में से सारे ओवन उठा लिए। ये डाकू शाशा बिना यार किसी के साथ भी लड़ने झगड़ने लगते हैं, अब क्या करें? बाबू मोसाई चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं घर पे ही ओवन बना दूंगा, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मेरे पे डिग्री है। अरे वाह इप्पू, क्या बात है, तब तो तू ओवन बना, मैं मार्केट में से पिज्जा का सामान ले आता हूँ। वैसे इतनी मेहनत तुम शैतान के पीछे कर रहे हो, थोड़ी मेरे पीछे भी कर दो, विमल विमल खिला दो, क्योंकि मैं उसकी कम्युनिटी से ही हूँ। अरे उसके पीछे करनी पड़ती है मेहनत ग्रैनी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वैसे इस तरीके से घर के काम करने का एक फायदा जरूर होता है, आदम शाशा की नई पोस्ट चलाने का मौका मिल गया, वरना तो वो मुझे सुने भी नहीं देते। और ये कार इतनी स्पीड में भगती है ना कि मैं 5 मिनट में तो मार्केट पहुँच जाता हूँ। ये लो पहुंच गया, यहाँ से मैं पिज्जा का सामान ले लेता हूँ। आइए आइए भाई, क्या चाहिए आपको है? भैया मेरे को पिज्जा की सारी चीजें दे दो जो भी उसमें लगती है पिज्जा बनाने में।
अरे भाई वो मेरे को क्या मालूम क्या लगता है क्या नहीं, मैं तो बस बेचता हूँ वो। अबे साले इतनी बड़ी दुकान रखी है और ये नहीं मालूम कि पिज्जा बनाने में क्या क्या चीजें लगती है साले। बाबू मोसा अब देखना ऐसा ओवन बनाऊंगा कि लोग उसे देखकर ही जल जाएंगे। हिप्पू मेरे को एक बात बता, तू तो साले सातवीं फेल है तो फिर क्यों बोल रहा था मैं इंजीनियर हूँ और तेरे पास डिग्री कहाँ से आई? बाबू मोसा आप मेरे पे शक कर रहे हो, मैंने पैसा दे के खरीदी है इंजीनियर की डिग्री, बिल भी है मेरे पास जीएसटी वाला। अच्छा तो फिर ठीक है, माफ कर देना, चल अब जल्दी से ओवन बना। मेरे काम पे कभी शक मत करना आदम चाचा, बस आप खड़े खड़े देखिए मैं कैसे ओवन बनाता हूँ। चलो फाइनली सामान तो सब रख दिया है, अब सोता हूँ सीधा घर और मम्मी को बोलता हूँ पिज्जा बना दे। बस आशा करता हूँ कि हिप्पू ने भी अपना ओवन बना दिया हो। अबे एक सेकंड, वो तो डिमिट्री है, लगता है उसने भी नई कार ली है। अभी इसके सामने हवाबाजी करता हूँ। ए डिमिट्री देख मेरी कार पॉर्श। अबे साले तो ई देख हमारे पास भी है फॉर्मूला 1 रेसिंग कार, और झूठ बोल रहा है हैं? कार की प्लेट पे तो आदम का नाम लिखा है। अरे वो तो कहीं ले गए होंगे इसलिए अपना नाम चिपका दिया होगा हवाबाजी करने के लिए, बाकी ये कार तो मेरी ही है। हाँ वो किसकी भी हो मेरी कार के सामने पानी कम चाय है, समझा? अबे क्या उछल रहा है, तेरी कार में तो एसी भी नहीं है और हेडलाइट भी नहीं है। अबे साले ये रेसिंग कार है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता और 300 भक्ति है, समझा? अच्छा ऐसी बात है तो मेरी कार भी कुछ कम नहीं है, समझा? चल आजा रेस लगाते हैं फिर देखते हैं। ठीक है चल आजा, क्लॉक टावर तक रेस लगाते हैं। अबे ये क्या, ये तो सारा तेजी से आगे निकल गया, इसके पीछे जाना पड़ेगा। साला कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा, आया बड़ा मुझे चैलेंज देने वाला। अबे यार ये तो सच में बहुत ज्यादा तेज जा रहा है, इसको हराना तो बहुत मुश्किल होगा, इज्जत का सवाल है, कुछ तो करना पड़ेगा। नूबड़ी वाले अभी भी टाइम है, हार मान ले, मुझे ओवरटेक नहीं कर पाएगा। हार तो मैं कभी नहीं मानूंगा डिमिट्री। साला ओवर स्पीडिंग में बैलेंस बिगड़ गया, देखा लापरवाही का नतीजा, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। ये लो बाबू मोसाई बन गया आपका ओवन। हिप्पू ये तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ओवन जैसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। अरे हाँ बाबू मोसा, ये तो मैंने गलती से पैसे छापने की मशीन बना दी। अबे तो जल्दी से ओवन बना, इसका हम क्या करेंगे? अभी बनाता है, बस 2 मिनट दीजिए। आदम चाचा, ताऊजी, हिप्पू, ग्रैनी, सब लोग देखो सारा पिज्जा का सामान ले आया हूँ। क्या बात है, क्रिमिनल बड़ा जल्दी सारा सामान ले आया। अरे वो सब छोड़ो हिप्पू, तूने ओवन बनाया कि नहीं? हाँ बाबू मोसा, ये देख बना दिया। हाँ क्रिमिनल, बस 2 मिनट में बना दिया इसने, ये तो सच में इंजीनियर है। अच्छी बात है, ठीक है मम्मी चलो अब शैतानी पिज्जा बना दो। हाँ बेटा अभी बना देती हूँ। ओए 3 घंटे बाद ओए। ये ले बेटा ये बन गया शैतानी पिज्जा, बहुत ही बढ़िया बना है, शैतान खुश होगा, शाबाशी देगा। अरे पर मम्मी ये तो बस एक ही टुकड़ा है, बाकी का पिज्जा कहाँ है? बेटा बस इतना ही बचा है, टेस्ट करने में मैं बाकी का पिज्जा खा गई। चलो कोई ना, शैतान के लिए इतना ही काफी है, अब इस पिज्जा को मैं सेफ जगह पर रख देता हूँ। चलो अच्छा है, सब सही से हो गया, पिज्जा भी बन गया, अब बस शैतानी से खा ले। हाँ बेटा बस एक बार वो इसे खा ले, फिर बहुत बड़ी बला टलेगी। चलो फाइनली पिज्जा को मैंने जेड प्लस सिक्योरिटी में रख दिया है, अब तो इसे खुद शैतान भी नहीं खा सकता, अब बस वो इस पिज्जा को खा ले और खुश हो जाए, फिर हमारे सारे गलत का माफ, वो हमें नरक में सजा नहीं देगा। हम उसे पिज्जा फोकट में नहीं खिला रहे, सेटिंग किया है। ये क्या सुबह सुबह लॉकर किसने खोला? अबे ये क्या नहीं, अनर्थ हो गया, किसी ने पिज्जा खा लिया, रेड क्रिमिनल आदम सासा। क्या बोल रहा है हिप्पू सुबह सुबह? अरे हाँ ये तो सच है। अरे मैंने जेड प्लस सिक्योरिटी में रखा था, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबू मोसाई वो हमें क्या मालूम, शैतान आता ही होगा, अब क्या करेंगे बता। कुछ नहीं अब आस पास में ढूंढो, यही कहीं टहल रहा होगा पिज्जा।
बाबू मोसाई अगर किसी ने पिज्जा खाया होगा तो उसे यही निकाला होगा। पिज्जा पिज्जा किधर है तू, मुझे सुन पा रहा है पिज्जा? मुझे तो लगता है वो टहलते टहलते बेसाड़ा बेड के नीचे सड़ा गया होगा। पिज्जा मेरे बेटे पिज्जा। ये क्या अचानक से अंधकार हो गया? इसका मतलब कि शैतान आने वाला है। सब लोग सुनो, शैतान आने वाला है, बाहर आ जाओ। वाह, जॉइंट फैमिली लगती है, मतलब खाना अच्छा बना होगा। चलो बताओ मेरा खाना कहाँ है? अरे शैतान भाई, एक दिक्कत हो गई है। हमने बड़ी मेहनत करके पिज्जा बनाया था पर पता नहीं गायब है अभी। कोई ना, मुझे वैसे भी पिज्जा से नफरत है। बाबू मोसा, ऐसा कैसे हो गया? आपको तो बहुत पसंद था। एक बार मैं एक फैमिली के वहाँ गया था, उन्होंने मुझे बासी पिज्जा खिलाया, वो भी एक दिन पुराना, सालों के मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। बस गए हम भी, इसको बासी पिज्जा ही खिलाने वाले थे। बेटा लहसुन के परोठे बना रही हूँ, फ्रेश खाएगा? क्या बात है, लहसुन सुन के ही मुँह में खून आ गया। चलो अब जल्दी जल्दी बनाओ लहसुन के परोठे। I like it.